सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हल्का हल्का उजाला हो गया है और इतना ठंडी है ना इधर, हल्की हल्की धूप आ चुकी है और ठंडी फूल लग रही है ठंडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अपना आज जाना है अपने को साईं बाबा सिडरी, जो कि यहाँ से है 240 किलोमीटर और 5 घंटे का रास्ता है, तो जाते हैं उधर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी जा रहे हैं साईं बाबा टेम्पल और शुरुआत हो चुकी है साईं बाबा टेम्पल की और इधर अंधेरा बहुत, लाइट भी जा चुकी है अभी, तो निकलते हैं साईं बाबा के लिए। रोड बहुत खराब है इधर, सुबह सुबह सकाळी सकाळी कचरे से गाड़ी गंदगी फैलावतो है। शुरुआत तो हुआ नहीं है, अभी अंधेरा ही है। घड़ी बजा है 5:30, 5:40 और हम निकल चुके हैं साईं बाबा टेम्पल। सो वीडियो बने रहे एंड वीडियो देखते रहे। सुबह सुबह ट्रक बहुत चलता है यार, कुछ भी करो, बड़ी गाड़ियां बहुत चलती है सुबह सुबह। सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हल्का हल्का उजाला हो गया है और अभी अब पहुंच गया हूं मैं। 40 किलोमीटर कवर कर लिया आधे घंटे में, आधे घंटा भी नहीं लगा, 25 या 20 मिनट में 40 किलोमीटर कवर किया है और अभी हल्का हल्का उजाला हो गया है। सूर्य देवता तो नहीं निकले अभी, लेकिन उजाला हो गया है हल्का हल्का। और अभी है 210 किलोमीटर और कवर करना है और इधर इस रूट पे है ना, ये बड़े बड़े टेलर ट्रक वगैरह बहुत है। ज़्यादा करे ट्रक ही बहुत है इधर, बहुत ट्रक है यार। सो अभी उजाला तो हो गया पूरा, लेकिन अभी सूर्य देवता नहीं उगे। हाईवे बहुत ख़राब है यार, इधर का हाईवे इतना ख़राब है हाईवे ना, पूरी गाड़ी अंदर अंदर से ऊपर अंदर से ऊपर हो रही है। ऑफ रोडिंग हाईवे है सही में, इतना ख़राब हाईवे है ना। पैसा भाई, कभी का हॉर्न बजा रहा हूँ भाई। अरे भाई आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, कभी का हॉर्न बजा रहा हूँ यार। अरे तो थोड़ा एक साइड तो चलो यार, वो सुनेगा कैसे कैसे लोग भी रहते हैं यार यहाँ पे। अभी उठ जाता, अभी खड्डा है, खड्डा है ही नहीं रोड पे, इतना अच्छा रोड है बोलता है खड्डा है रोड पे। आई थिंक ऐसा मौसम रहे ना तो गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ हो रहा, सही बोलू तो। गाइस तो मौसम बहुत ठंडा है,
पूरा इतना ठंडी लग रहा है मुझे ना, एकदम मस्त चिल्ड मौसम, एकदम ठंडा ठंडा ठंडी ठंडी हवा आ रही है इतनी ना तेज, जैसे ठंडी का मौसम होना वैसा हो गया है। तो पूरा शरीर दूज रहा है। अभी अभी देखता हूँ ना, अभी कहीं अगर होटल मिलेगा तो अभी देखता हूँ, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं और थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। अभी हम कोई तो गांव में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे गांव की मस्त फीलिंग आ रही है, मस्त खुशबू आ रही है। मतलब जो गांव की खुशबू आती है ना, अपना एक अपना जंगल टाइप घर वगैरह है, खुशबू आती है गांव की, वैसे मस्त चारों तरफ एकदम खुला खुला है। अभी यहाँ पे कौन सा गांव है तो पता नहीं मुझे, बस मस्त लग रहा है एरिया, एकदम मस्त एकदम खूबसूरत है। क्या नजारा है, इधर ट्रेन चल रही है, इधर हम चल रहे हैं, क्या खूबसूरत नजारा है। तो होटल में देखते कुछ खाने का रहे तो भूख लग रहा है। देखते हैं देखो नाश्ता मिल जाए तो कर लेते फर्स्ट हो गया अभी, और अभी जा रहे हैं सीधा, और अभी यहाँ से 160 किलोमीटर हो रहा है, अभी निकलते हैं सीधा शिरडी साईं बाबा। हल्की हल्की बारिश आ गई तो रेनकोट भी डाल दिया, और ठंडी बहुत लग रही है इधर, पता नहीं मौसम कैसा मौसम है, ठंडी बहुत महसूस हो रहा है, इतना ठंडी है ना इधर, और हल्का हल्का बारिश आना शुरू हो गया, ठंडी बहुत है इधर, इतना ठंडी लग रहा है ना जैसे ठंडी का फुल मौसम हो वैसा। बारिश आ गया, वो ऊपर निकालना पड़ेगा नहीं तो खराब हो जाएगा। जोर से आ गई बारिश, जोर से आ गई, और जो स्क्रीन हो गया ओम नमः शिवाय। और मेरे बैग में भी वो नहीं है, तो गाइस अभी 150 किलोमीटर और है, और एक नज़ारा दिखा तो नज़ारा देख लो कितना खूबसूरत दिख रहा है, क्या खूबसूरत व्यू है देख सकते हो। अपनी बाइक खड़ी है जब तक अभी जा रहा, अभी 150 किलोमीटर और है, थोड़ा नीचे बारिश बहुत हो रहा था तो वीडियो शूट कर नहीं पाया, बाल जो हेलमेट के सब पूरा बिगड़ गया है, तो बाल की वाट लग चुकी है। पीछे नज़ारा देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, और अभी है 140 किलोमीटर और है,
तो 100 किलोमीटर आ गए हम लोग अभी। अरे कुत्ता गैंग कुत्ता गैंग कुत्ता गैंग कुत्ता गैंग कहाँ लड़ने जा रहे हो तुम लोग? तो बारिश रुक चुकी थोड़ी हल्की सी। मस्त खूबसूरत विलेज आया है देखो, कोई सब हरा हरा है तो मस्त ही दिख रहा है। कितना खूबसूरत दिख रहा है यार वो सामने पहाड़। गोप्रो में तो नहीं दिखता रहेगा इतना, लेकिन नज़ारा खतरनाक है यार। घूमने का मज़ा आ गया पहले, राइड पे जाने का मज़ा है ऐसा ही। आई थिंक ऐसा मौसम रहे ना तो गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ हो रहा। सही बोलो तो मस्त एकदम खुला खुला एकदम मौसम रहे ना तो गाड़ी चलाने का आनंद ही कुछ है। वाह छोटा झरना मिला है हमें, छोटा सा देख सकते हो, पर वो पास जा नहीं सकता हूँ मैं मेरे ख्याल से। तो ट्रक बहुत चलते हैं बड़े बड़े, जैसे बच के रहने का कभी भी इन लोगों से तो साथ में लेके जाते हैं कि चलो भाई तुम भी साथ में चलो। नीचे से ट्रेन चल रही है, ऊपर पार्ट काटा हुआ है पूरा। ठंडी बहुत लग रही है यार, ठंडी ज्यादा है, पूरा ठंडा ही लगा। सन मोड बहुत है, ओ माय गॉड वाटरफॉल नाइस सुपर, ये तो चाहिए था मुझे गाइस। देख सकते हो वाटरफॉल, वाओ ये तो चाहिए था देखने के लिए, मुझे दिल खुश हो गया। पूरे पहाड़ के ऊपर गांव जो कितना नीचे, क्या हो गया भाई ट्रैक्टर खराब हो गया? सो यहाँ पे जगह जगह बोर्ड मारा हुआ है कि सावधान यहाँ पे शेर चीते आ सकते हैं, तो शेर चीते से दूर रहे। ओह माय गॉड इतना खतरनाक ब्रिज यार, पास है में यार मजा एंजॉय तो इधर ही है घूमने का, कुछ भी करो देखो तो कितना नीचे। हाँ कलम भी देख सकते हो कितना खूबसूरत दिख रहा है, देखा इधर छोड़ लेते हैं बादल नीचे उतरे हुए। ओह गाइस देख सकते हो कितना खतरनाक है यार, खतरनाक यार इस जगह पे एंजॉय फुल। आगे चलते हैं उधर, थोड़ा अकेले डर लगता है तो वो लोग खड़े हैं उधर, मत स्क्रीन शॉट ना मस्त इंस्टा 360 से पूरा रिकॉर्ड लेंगे। कितना कोहर बादल देखो ना, कितना ब्लैक हो गया बादल से, पूरा पहाड़ भी नहीं दिख रहा इतना ब्लैक ब्लैक हो गया। सुकून की जगह भाई, सुकून सुकून। हाँ सुबह सूरज भगवान अभी दिखे देख सकते हो, सुबह से गायब थे सूरज भगवान,
यार मौसम इतना मस्त हो रहा है ना यार, कितना खतरनाक व्यू है देख सकते हो। और अभी लोकेशन है अपना 108 किलोमीटर और है, 108 किलोमीटर और चलना है फिर अपना लोकेशन आ जाएगा। गूगल माता ने इधर गांव में घुसा दिया मुझे। हल्की हल्की धूप आ चुकी है और ठंडी फूल लग रही है, ठंडी पता नहीं यार ठंडी क्यों लग रही है, मेरा लगता है भीग गया हूँ मैं इसलिए लग रहा है, ठंडी फूल लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी का मौसम है फूल। अभी धूप आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है। इधर मतलब पहाड़ी इलाका तो इधर मतलब बारिश ज़्यादा होती है मेरे ख्याल से। एक किलोमीटर से ऐसा चल रहा हूँ मैं देख सकते हो, एक किलोमीटर से ऐसा चल रहा हूँ। रोड काम चालू, रोड का तो चिकनी मिट्टी पूरी, गाड़ी दो बार तो स्लिप हो गई, गिरी नहीं बट स्लिप हुई है, इतनी चिकना मिट्टी है ना यार, डर लग रहा है तो चला नहीं भाई। एक किलोमीटर से चल रहा हूँ, सो गाइस अभी 80 किलोमीटर और है और टाइम हो गया अपने को, कितना टाइम हुआ, हाँ 9:30 हो गया, अब 80 किलोमीटर और है, एक घंटा और लगेगा। कितना बड़े बड़े खड्डे हैं यार रोड पे, कितने सारे यार इधर, आई थिंक पवन पंखे बोलते ना इसको। अभी 54 किलोमीटर और दूर है पहुंचने वाले और एक घंटे का रास्ता बता रहा है, ओनली 54। सो एक चाय ब्रेक लेते हैं कंटिन्यू, बहुत गाड़ी चला ली। अब भी है अपना 34 किलोमीटर और है, एक चाय लेते हैं। गाड़ी की हालत देखो कितनी बिगड़ गई है। सो सुबह से दूसरा फाइव चाय ब्रेक लिया है, हालत बहुत बिगड़ गई थी, बाल पूरे बिगड़ गए, हेलमेट पहन पहन गया, गाड़ी वो हमारा अच्छे तक पकड़ा, कपड़ों की हालत देखो पूरा ब्लैक हो गया, कपड़े मिट्टी उड़ उड़ के पूरा ब्लैक हो गया, पूरा मिट्टी उड़ उड़ के। तो चाय पीते और निकलते और यहाँ से कुछ करीबन 34 किलोमीटर दूर है यहाँ से, आधे घंटे में हो जाएगा, मैं आधे घंटे में बता रहा है, 34 किलोमीटर और है दूर यहाँ से। तो निकलते हैं चाय पीते हैं, सुबह से दूसरी चाय, कंटिन्यू गाड़ी चलाई 150 किलोमीटर, 150 से 200 किलोमीटर, हाँ पिछली बार उधर रुका था नाश्ता करने के लिए और फर्स्ट टाइम, और उसके बाद 150 कंटिन्यू गाड़ी चलाई है, अब भी रुका था। गाड़ी को भी थोड़ा आराम देना चाहिए ना, मिलते सो पहुंच चुके हैं, अभी 2 किलोमीटर और है, अभी एंट्री तो हो चुकी है साईं बाबा की नगरी में, साईं राम की जय, साईं बाबा की जय।
सो एंट्री हो चुके हैं साई बाबा की नगरी में। सीधा ना पार्किंग के लिए क्या पैसा वगैरह नहीं है? पार्किंग के लिए क्या पैसा नहीं? मेरा खाली शॉप है, खाली क्या पैसा वगैरह क्या लेना? 2-5 रुपये शॉप के लिए लो, सीधा गेट पे गाड़ी जाए। पहले मंदिर ही जा रहा हूँ, मंदिर के पास ही गाड़ी जाएगा। थैंक यू। सो पहले देखते हैं कोई रूम वूम ले लेते हैं, फ्रेश व्रेश होकर फिर चलूँ जाऊँगा मैं। फ्रेश होके जाना पड़ेगा, इसमें नहीं जाना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ से भी थोड़ा होटल में जा रहा हूँ मैं, मंदिर में बाद में जाऊँगा, पहले फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ, बाद में मंदिर और दर्शन वगैरह करेंगे। फाइनली गाइस ये रूम ले लिया, देख सकते हो ये रूम, एक बेड है एंड आईना है, बाथरूम सेंडास बाथरूम एंड टीवी। सो मंदिर के दर्शन तो मैं नहीं कर पाऊँगा, करा पाऊँगा आपको, क्योंकि मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है। और बाहर का जो भी है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दूसरा दो पार्ट डालूंगा, एक तो ये वाला, एक ये इसमें डालूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक छोटा वीडियो बनाऊंगा मैं उसके लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप